हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर साइंस टीचर फ्रॉम सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन फोर्थ साइंस एंड इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन सिक्स एंड द नेम ऑफ लेसन एनिमल्स इंक्रीजिंग इन नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट सम अदर लिविंग एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वॉटर। They are covered with jelly-like substance and that protect them from water. A group of eggs are called spawn and most eggs are eaten by bigger fish only a few hatches. जो fish होती है वो thousands of quantity में egg lays करती है कहाँ पर water में और वो जो eggs रहते हैं वो covered होते हैं एक jelly-like substance के through. और जो eggs का group रहता है that are called spawn. Most of the eggs are eaten by bigger fish. जो अधिकतर egg होते हैं वो बड़ी फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ ही एग हैच हो पाते हैं, कुछ ही एग से फिश बाहर आ पाती है। नेक्स्ट फ्रॉग। अ फीमेल फ्रॉग लेज एग इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड टाइनी यंग वंस कॉल्ड टैडपोल कम आउट। जो फीमेल फ्रॉग होता है वो एग लेज करता है वाटर बॉडीज पॉन्ड्स एंड जहां वेल एंड रिवर एंड टाइनी यंग वंस कॉल्ड टैडपोल। जो छोटा यंग वंस होता है दैट आर कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल लुक मोर लाइक फिश एंड स्विम इन वाटर। टैडपोल किसकी तरह दिखाई देता है? फिश की तरह दिखाई देता है और वाटर में स्विम करता है। दे हैव गिल्स टू इनेबल देम टू ब्रीथ इन वाटर। जो टैडपोल होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं ताकि वो वाटर में ब्रीथ कर पाए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द टैडपोल ग्रोस लेग एंड देयर टेल्स बिकम शॉर्टर एंड फाइनली डिसअपीयर्स। कुछ वीक्स बाद क्या होता है उस टैडपोल में लेग्स और टेल ग्रो होने लगते हैं। And then the young frog grows and change into a adult frog. तो जो young frog होता है वो ग्रो होता जाता है और adult frog में बदल जाता है। The young adult frog breathes with the help of lungs on land. जो adult frog होता है वो breathe करता है lungs के through जब वो land पर होता है and moist skin when in water. और जब water में होता है तो वो अपने skin को moist करके रखता है। Student, look at this picture. This is life cycle of a frog. Here, egg mass and then turn into tadpole, then tadpole with legs and tail and then young frog and then adult. Insects. All the insects lay eggs. Different insects have different stages in their life cycle. जो इंसेक्ट होते हैं वो सभी इंसेक्ट एग लेस करते हैं और अदर अलग अलग इंसेक्ट अदर अलग अलग तरीके से ही अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल होती है उनकी। कॉकरोच। A cockroach has three stages in its life cycle. जो cockroach होता है उसकी life cycle में three stages होती हैं। A cockroach lays egg. The baby cockroach that hatch out of the egg look like adult, but in smaller size. जो cockroach होता है egg lays करने के बाद उसका जो baby cockroach होता है egg hatch करने के बाद बाहर आता है और वो जो cockroach होता है उसी की तरह दिखाई देता है but इन स्मॉलर साइज वो साइज में छोटा होता है। इट इज कॉल्ड नेम्फ। क्या कहलाता है? नेम्फ। द यंग वन शेड इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर इट चेंज इनटू अ एडल्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। और जो यंग जो बेबी कॉकरोच होता है वो अपनी स्किन को चेंज करता रहता है दैट आर कॉल्ड जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? मोल्टिंग। लुक एट दिस पिक्चर। एडल्ट is given eggs and then nymph then turn adult. Now let's start. We are learn about life cycle of butterfly. A butterfly has four stages in its life cycle. जो butterfly होता है उसकी life cycle में four stages होती है। A female butterfly lays cluster of eggs on the under surface of the leaves. जो female butterfly होती है वो egg lays करती है leaves के ऊपर। And the egg hatch into the young worms called larva. जो egg होता है जब वो hatch होने के बाद उससे छोटी butterfly या baby butterfly निकलती है that are called larva. And the larva of butterfly is called caterpillar. उसी को caterpillar बोला जाता है। The caterpillar feeds on the leaf and grow fast. जो caterpillar होता है वो leaves के through ही feed होती है और grow होती है जल्दी। And it then cover itself in a case called chrysalis. वो खुद अपने आप को कवर करके रखती है। दैट किससे कवर करती है उसको क्या बोला जाता है? chrysalis. एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्टेज क्या कहलाती है? प्यूपा।
Inside the chrysalis, the pupal undergo change in its shape and finally change into a adult butterfly. जो क्रिसल्स के अंदर बेबी बटरफ्लाई होती है वो ग्रो होती जाती है और फाइनली अपने शेप और साइज में चेंज होती जाती है और किस चीज में बदलते हैं एन अडल्ट बटरफ्लाई एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द क्रिसल्स एंड फ्लाई अवे. और फिर जब उस क्रिसल्स से बटरफ्लाई बाहर आती है तो वो पूरे शेप और साइज में आती है और एंड फ्लाई अवे और वो उड़ने लगती है. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज बटरफ्लाई. Then it, here the egg lays and then caterpillar change in caterpillar and then pupa, then again butterfly. Insect like housefly and mosquito also have four stages in their life cycle. जो insect होते हैं like housefly and mosquito, इनकी भी four stages होती हैं इनकी life cycle. The larva of housefly is called maggot and of a mosquito is called regular. जो housefly का baby eggs होते हैं that are called maggots and mosquitoes ke regular. Other laying animals, snake and turtle are also egg laying animals. Jo snake aur turtles hote hain ye bhi egg lays karte hain and they lay egg in ground and turtle dig hole is the sand and lay egg in them. Turtle aur snake dono egg lays karte hain aur dono egg lays kahan par karte hain ground mein. And jo turtle hota hai वो अपने एग को किस चीज से सैंड से कवर कर देता है एंड लीव देम टू हैच और उनको छोड़ देता है जब तक वो बेबी होता है वो बाहर ना आ जाता है. यंग वन हैच एंड आउट एंड क्राउड टू द नियरेस्ट बर्ड. और वो बेबी जो एग लेस होने के बाद एग हैच होते हैं तो जो यंग वन होता है वो खुद एग को हैच करके वाटर जो नियरेस्ट वाटर बॉडीज होती है उनमें पहुंच जाता है. नेक्स्ट crocodile. Crocodile lays eggs in shallow pits that she dig and sandy river bank. जो मगरमच्छ होते हैं crocodile होते हैं जो उतले मतलब कि वो भी sand से hole बनाकर वहीं पर अंडे egg देते हैं egg lays करते हैं. But near the river bank, river के आसपास जो river के पास sand होती है ना उसमें hole बनाकर egg lays करते हैं. और उस एग्स को किस चीज से कवर कर देते हैं सैंड. और जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो बेबी को जो एग्स रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है जब तक वो बेबी क्रोकोडाइल एग हैच करके बाहर ना आ जाए. और जब वो बेबी क्रोकोडाइल एग हैच करके बाहर आते हैं तब जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो ही क्या करती है उस सैंड को अलग करती है और अपने जो उसका फेस होता है उसके नीचे एक स्पेशल पॉच होता है उसमें उन क्रोकोडाइल को रखती. स्टूडेंट आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड दिस इज योर होमवर्क. रीड दिस चैप्टर एंड कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज इन योर कॉपी. थैंक यू.